दुकान बंद कर ऐसा कैसा है, हालात ठीक है, सिंडिकेट सब ठीक है, दुकान बंद अच्छा ही बढ़ा ही हो आता है। और आप आपके एरिए में कैसा लग रही हो, ये सुनती है जी होते हैं चारमीनार के पास एक रोशन स्वीट हाउस बोल के वहाँ का एक बच्चा दुकान का मालिक है, उसके ऊपर तो रात में हुसैनी आलम पुलिस के जवान, जबकि हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन की लिमिट में दुकान नहीं है, कोबलपुरा पुलिस लिमिट में, वहाँ आकर बच्चे को दुकान बंद करने के लिए बताया। 11:05 का टाइम हो रहा था, उल्टा बच्चा बंद कर रहा हूँ बोले तो उसको गाली गलौज करके दुकान में घुस के मारपीट करके गाड़ी में बिठा के गाड़ी में भी मारे, फिर पुलिस स्टेशन ले आके मारे, उसके बाद कंप्लेन ये दिए कि पुलिस वाले को बच्चा मारा था, छोटा FIR बना के बच्चे को रिमांड करे नदे पे मिलत बैरिस्टर असदीन वसी सदर मस्जिद के पार्लियामेंट की हिदायत पे मुगलपुरा पुलिस स्टेशन को जाके वहाँ से FIR की कापी दिया, जेल को आके बच्चे से मुलाकात करके तफसीलात पूछा, बच्चा बोला मैं गाली तक नहीं दिया, हाथ तक नहीं उठाया, उल्टा मुझे मारे वो लोग, बच्चे को मेडिकल भी नहीं कराए पुलिस लाके यहाँ जेल में डाल दिए। और तेपाक से उनके भाई सब आज बेल पिटीशन डाले थे, बेल भी आ गया, अब निकल रहा है बच्चा। सर साहब की इजाज़त है कि बच्चे के कमिश्नर के पास पेश करें और वो पुलिस के कांस्टेबल को और SI जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड कराए बोल के। झूठे केसों में नौजवानों को रात के टाइम पर पुलिस जो झूठे केसा डाल के परेशान करिए, रात के औकात में पुलिस की गुंडागर्दी चलिए सिटी में, जो जी में आए जिसको जो जी में आए सेक्शना लगा के रिमाइंड करना, झूठे कैसा बनाना। हिमाचल पार्टी की तरफ से मैं सख्त एहतजाज करता हूँ और कमिश्नर पुलिस से हमारा डिमांड है कि वो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर जो भी इसमें इन्वॉल्व है झूठे केस में उसको फौरी सस्पेंड करें, वरना ये मसले में हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हुसैनी आलम PS में इससे पहले भी एक झूठे केस के जरिए लोगों को परेशान किया गया था, कमिश्नर की नॉलेज में लाए, लेकिन उस पर भी अभी कोई रद्दअमल नहीं हुआ, उसका भी मालूम करेंगे, इसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को का केस विड्रा करना और वो जवान को या SI जो भी इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड करना, 1 घंटे के अंदर बच्चा भी रिलीज होगा, सर साहब से भी बच्चे को मिला के बात कराई जाएगी।